डेरा सच्चा सौदा दे साबका प्रबंधक बाबू इंदर सैन इंसा 88 साल दी उम्र विच अपनी स्वासा रूपी पूंजी पूरी करके कुल मालिक दे चरणा च सचखंड जा विराजे। ओ पिछले कुछ दिनां तों बीमार चल रहे सन ते शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल च उन्हां दा इलाज चल रहा सी। बाबू इंदर सैन इंसा ने इलाज दौरान सवेरे अंतिम साह लिया। उन्हां दे देहांत ते आदरयोग शाही परिवार डेरा सच्चा सौदा दी प्रबंधकी कमेटी दे मैंबरां जिम्मेवारां ते साध संगत ने दुख प्रगट करदिआं उन्हां नूं भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट कीती। उन्हां दा अंतिम संस्कार शाह सतनाम जी धाम नेड़े शमशान घाट च कीता गया। बाबू इंदर सैन इंसान दा जन्म 1933 च लाहौर जो कि हुण पाकिस्तान च है निवासी पिता श्री टेकचंद ते माता तुलसी देवी दे घर होया। उन्हां दे परिवार च 4 भरा ते 2 भैणां सन। देश दी वंड तों बाद ओह अपने परिवार समेत करनाल जिले च आ के वस गए। उन्हां ने इंजीनियरिंग दी डिग्री प्राप्त कीती हुई सी। इस तों बाद हरियाणा सरकार दे नहरी विभाग च SDM अहुदे ते अपनियां शानदार सेवावां दित्तियां। 1965 च उन्हां ने पूजनीक परम पिता शाह सतनाम जी महाराज कोलों नाम शब्द दी अनमोल दात प्राप्त कीती। इस तों बाद ओह लगातार मानवता भलाई कार्यां च जुट गए। ओह डेरा सच्चा सौदा दी दूजी पातशाही पूजनीक परम पिता शाह सतनाम जी महाराज ते हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा दियां पवित्र प्रेरणावां नाल मानवता भलाई कार्यां च जुटे रहे। ओह अपने अंतिम स्वास तक सतगुरु प्रति दृढ़ विश्वास ते आस्था दे नाल सेवावां दिंदे रहे। अज उन्हां दी मृतिक देह नूं सब तों पहलां शाह सतनाम जी धाम च अंतिम दर्शनां लई लिआंदा गया, जिथे आदरयोग शाही परिवार दे साहिबजादे जसमीत सिंह जी इंसा, आदरयोग डॉक्टर शाने मीत जी इंसा, रूहे मीत जी इंसा, पूजनी गुरु जी दे दामाद ते भैण हनीप्रीत इंसा ते डेरा सच्चा सौदा प्रबंधक कमेटी ने सचखंड वासी बाबू इंदर सैन इंसा नूं भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट कीती। बाबू इंदर सैन जी इंसान की अंतिम यात्रा च वक वक ब्लाकां दे जिम्मेवार सूबे दे 45 मैंबर ते स्थानक साध संगत शामिल सी। इस तों बाद पेट्रोल पंप नेड़े स्थित शमशान भूमि च बाबू इंदर सैन इंसान दा अंतिम संस्कार कीता गया। चिता नूं अग्नि उन्हां दे भरा रघुवीर इंसान ते भतीजे अजय इंसान ने दित्ती। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।